ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा है, इससे पहले की वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले जो हैं वो ए टू जेड फॉर्मूले बता दिए। ए टू जेड क्या, तीन ही चार फॉर्मूले थे बस, उन तीन चार फॉर्मूलों को बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसमें माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस रूट थ्री कोज स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। हम दो दो के पेयर बनाएं, दो दो के पेयर, तो इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, ये आ रहा है साइन थीटा, कितना आ रहा है साइन थीटा, तो कितना बचेगा इधर, ये बचेगा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, इसको उठा के यहाँ रख देना है बस, कितना साइन थीटा माइनस कोस थीटा उठा के रख दिया। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, सीधी सी दिख रही है, किससे, रूट थ्री किससे कर दो, कोस थीटा से भाई, जैसे कोस थीटा से करोगे देखो, रूट थ्री साइन थीटा कोस थीटा और रूट थ्री कितना बचाएगा, कोज स्क्वायर थीटा, और किससे, माइनस से, तो ये और ये दोनों सेम है तो किसी एक को उठा के रख लो, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी इन दोनों में से हमने किसी एक को उठा के रख लिया, इसको साथ लिख दिया, यानी कि साइन थीटा माइनस रूट थ्री कोस थीटा, ये लिख दिया है। अब हम बात करेंगे एक एक करके क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, पहले इसको जीरो बनाओ, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इजकल टू जीरो, इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का, यानी साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा, ये इसके नीचे चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, वन, या इसको नीचे ले आओ तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इजकल टू कितना बचेगा, वन। अब तुम्हें भी पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, कितना होता है, टेन थीटा, और टेन में वन कितने डिग्री की होती है, 45 डिग्री की, टेन कितने डिग्री की, 45, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इजकल टू कितना हो गया, पाई अपॉन फोर, तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो मैंने फार्मूला तुम्हें बताया है कि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का फार्मूला क्या होता है, थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा, कितना होता है, एन पाई प्लस अल्फा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, देखो थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो तुम्हें थीटा की जगह क्या रखना है, थीटा ही रखना है, और अल्फा की जगह कितना रखना है, पाई अपॉन फोर। तो तुम्हें ये पता है कि ये कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास एन पाई प्लस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, पाई अपॉन फोर, ये हो गया एक आंसर। और दूसरे की हम बात करें तो हमारे पास दूसरा कितना है, साइन थीटा माइनस रूट थ्री कोस थीटा, यानी कि दूसरा कितना है, साइन थीटा माइनस रूट थ्री कोस थीटा इजकल टू जीरो, इधर जाके तो हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट थ्री कोस थीटा, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट थ्री, और ये टेन थीटा बराबर टेन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, टेन से टेन ख़त्म, तो थीटा इजकल टू कितना बचेगा, ये बचेगा पाई अपॉन थ्री। अब ये फार्मूला बन रहा है किसका, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा का, तो थीटा इजकल टू फार्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा, और थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा की जगह कितना रख दो, पाई अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि समझा दे रहा हूँ दोबारा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, माइनस प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएंगे दोनों, और ये तुम्हारे पास रूट थ्री कोज स्क्वायर थीटा। हमने दो दो के क्या बना लिए, पेयर बना लिए, इन दोनों में से कॉमन लिया, देखो साइन थीटा बाहर ले लिया तो एक साइन थीटा बच गया, माइनस कोज थीटा बच गया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट थ्री, और किससे, कोस थीटा से, तो हमें ये मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये और ये दोनों सेम है तो किसी एक को ले लिया, इसको और इसको साथ लिख दिया। यदि हम इसको जीरो बना रहे हैं तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, नीचे ले आओ टेन थीटा इक्वल टू वन। अब ये टेन थीटा इक्वल टू वन है तो टेन थीटा इक्वल टू वन कितने की वैल्यू होती है, 45, थीटा इजकल टेन से टेन खत्म, थीटा इजकल टू पाई अपॉन फोर लिख सकते हो, ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, फॉर्मूला टेन थीटा बराबर टेन, थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा, इस अल्फा की जगह कितना रख दो बस, पाई अपॉन फोर, थीटा की जगह थीटा ही है। अब हम दूसरे कंडीशन में बात करें तो साइन थीटा माइनस रूट थ्री कोस थीटा, साइन थीटा माइनस रूट थ्री कोस थीटा इजकल टू जीरो, इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का, नीचे ले आओ तो टेन थीटा बराबर रूट थ्री, और रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, सीधी सी बात है 60 डिग्री, 10 से 10 खत्म, थीटा इजकल टू 60 डिग्री क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन थ्री, ये थीटा है और ये अल्फा है, फॉर्मूला टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा वाला क्या होता है, थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा, इस अल्फा की जगह कितना रख दो, पाई अपॉन
थ्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।